समझदार को इशारा काफी है, आंख वाले को एक सितारा काफी है, और अंधे के लिए सूरज भी बेकार है, और ना समझ के लिए ब्रह्मा जी का ज्ञान भी बेकार है। ये संसार इशारा से चलता है, संकेत समझो इशारा क्या है, और जो इशारा को समझ लेता है उसी को सहारा मिलता है। तो 9 दिन राम कथा चल रही थी, बुढ़िया सुन रही थी, लास्ट दिन जो कथाकार सुना रहा था वो पंडित जी थे, वो भी गृहस्थ आश्रम में रहते थे। तो पंडित जी ने उस बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ 9 दिन से लगातार तुम कथा सुन रही हो, कुछ समझ में आया? तो इस बुढ़िया ने कहा, सब कुछ समझ में आया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले सीता हिरणी हो गई थी तो फिर से स्त्री बनी कि नहीं बनी? पंडित ने अपना माथा पीट लिया, सीता का हरण हुआ था ना, सीता हरण हुआ, उसने सोचा कि सीता हिरणी हो गई, मतलब स्त्री से हिरणी बन गए, जानवर हिरण हिरणी, तो हिरणी से फिर से स्त्री भाई कि नहीं भाई? पंडित ने कहा, 12 वर्ष प्रबोधा और रहा लोध का लोधा, समझ में कुछ आए नहीं। अब समझने की कोशिश करो कि गुरु क्या समझा रहा है। अभी पूज्य श्री रतन साहेब जी समझा रहे थे कि सुनो भी और उसको जीवन में उतारो भी, और सत्संग में जाओ भी, और सत्संग से कुछ सीख करके लौटो, और सत्संग सुनने के बाद कुछ दक्षिणा भी दो। उत्तर प्रदेश में दक्षिणा देने की परंपरा बहुत कम है, उत्तर प्रदेश में यदि आरती में से कुछ दक्षिणा वापस मिल जाए तो लोग खुश होते हैं कि आरती की थाल में से थोड़े नोट निकाल के जेब में रख लूं, ये महाप्रसाद है, अपने घर ले चलूं। उत्तर प्रदेश का आदमी बड़ा बुद्धिमान होता है, खिलाड़ी होता है, चतुर होता है। एक पंडित जी मुझको मिले, बह रहे थे कि मैं कई प्रदेशों में घूमा हूं और उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह के लोग मिले ऐसे लोग कहीं नहीं मिले। तो हमने कहा, उत्तर प्रदेश के लोग किस तरह के हैं? बोले, बहुत पाजी लोग हैं। हमने कहा, पाजी? पाजी क्या होता है? बोले, पुरानी भाषा है, बहुत नालायक लोग। हमने कहा, क्या नालायक है? नालायक कैसे हैं? राम उत्तर प्रदेश में हुए, कृष्ण उत्तर प्रदेश में, कबीर उत्तर प्रदेश में, तुलसी उत्तर प्रदेश में, रैदास उत्तर प्रदेश में, परशुराम भगवान उत्तर प्रदेश में, सारे देवी देवता सब उत्तर प्रदेश में, ये नालायक। बोले, इन्हीं नालायकों के कारण उनको अवतार लेना पड़ा। ये पाजी लोग। लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती याद रखना, मैं इसकी निंदा नहीं करना चाहता, यहां पर जो अच्छा है वो इतना अच्छा है उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता है, और जो बुरा है इतना बुरा है कि इसको सुधारना भी बहुत मुश्किल है। ये राम का देश है, कृष्ण का प्रदेश है, कबीर का इलाका है, ये तुलसीदास का क्षेत्र है, यहां परशुराम ने भी अवतार लिया, मैनक ऋषि ने भी अवतार लिया। लेकिन याद रखना, उत्तर प्रदेश में एक चीज बहुत अच्छी है। मैं भारत के 19 प्रदेशों में गया और विदेशों में 8 देशों में गया, पर उत्तर प्रदेश में प्रेम बहुत है,
प्रेम बहुत है और सेवा भाव बहुत है। ये दो चीजें मैंने उत्तर प्रदेश में बहुत पाया हूं। यहां लोग प्रेम बहुत करते हैं और सेवा भी बहुत करते हैं। यहाँ के लोग मेहमान से बोलते हैं हंस करके, और कोई भी अनजान व्यक्ति भी खड़ा हो उससे भी पूछते हैं कहाँ से आए हो, चलो नाश्ता वास्ता कर लो, पूछते हैं। ये उत्तर प्रदेश में खासियत है, स्वागत करते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश महान पुरुषों का प्रदेश माना जाता है। तो सुनि समझहि जन मोदित मन मज्जहि अति अनुराग। मज्जहि का अर्थ होता है स्नान करना, मज्जहि माने स्नान करना। अति प्रेम से सत्संग की गंगा में स्नान करना चाहिए। एक स्नान तो शरीर की होती है जिससे शरीर का मैल धुल जाता है, दूसरी स्नान मन की है, वो ज्ञान की गंगा में सत्संग की गंगा में स्नान होती है जिससे मन का मैल धुल जाता है। और मन जब निर्मल हो जाता है तो कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर कहत कबीर कबीर। अब ये कबीर ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि मन निर्मल हो जाए तो तुम्हें हरि को ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिर हरि आपको ढूंढे। रामचरितमानस में भी जब राम भगवान ने वाल्मीकि जी से पूछा कि मैं कहां रहूं, तो वाल्मीकि जी कहते हैं जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बस हो रघुराया। जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बस हो रघुराया। कितना सरल स्थान बता दिया, ये भी नहीं बताया कि जंगल में रहो, पेड़ पर रहो, मकान में रहो, दुकान में रहो, मंदिर में रहो, मस्जिद में रहो, अल्लाह इलिल्लाह उलिल्लाह जहां हो रहा हो वहां रहो। यहां रघुपति राघव राजा राम सीताराम सीताराम गोल गप्पे राम गंगा राम कुछ नहीं, केवल निर्मल मन। निर्मल मन की उपलब्धि आसान नहीं है, कहना आसान, सुनना आसान, लिखना आसान, बोलना आसान, पर निर्मल मन होना बहुत कठिन है। लोगों का खान पान भी निर्मल नहीं है, व्यवहार निर्मल नहीं है, विचार निर्मल नहीं है, स्वभाव निर्मल नहीं है, चरित्र निर्मल नहीं है, ये मन निर्मल कैसे होगा? और मन निर्मल अगर करना चाहते हो एक ही उपाय, क्या करना पड़ेगा? असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलो। अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद्दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुषो दुष्करम। जब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के साथ में रह रहे हैं, अर्जुन निष्कपट हृदय का भक्त है, भगवान से छुपाता नहीं है। कृष्ण से हाथ जोड़कर अर्जुन कहता है, अर्जुन वाच, अर्जुन बोले कि हे भगवान, मेरा मन बड़ा चंचल है, जैसे वायु को बस में करना कठिन है ऐसे इस मन को बस में करना मेरे लिए बहुत कठिन है। ये बात कहना ही कठिन है, स्वीकारना कठिन है, बोलना ही कठिन है कि मेरा मन चंचल है।
क्या यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका मन अचल हो गया, निश्चल हो गया? नहीं, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं, क्योंकि कहेंगे तो इज्जत का भी सवाल और नहीं कहेंगे तो जैसा है तैसा है, लेकिन इज्जत तो बच गई। कहना कि मेरा मन चंचल है बहुत कठिन। एक साधु मुझसे कह रहा था मेरे को ईर्ष्या बहुत होती है। अरे हमने कहा तुम साधु हो गए ईर्ष्या होती तो किससे होती? बोले अपने ही गुरु भाइयों से होती ईर्ष्या। तो मैंने कहा बहुत खतरनाक है तू, अपने ही गुरु भाइयों से ईर्ष्या? तो मैंने कहा मेरा चेला मेरे चेला से ईर्ष्या कर रहा। बोले इसी में मैं खुश नहीं रह पाता, मुंह ऐठता रहता हूं, जल भुन के राख हो गया, क्या करूं। ईर्ष्या जलन खलन ये बहुत बड़ी बीमारी है। ईर्ष्या करने में जलन करने में महिलाओं ने 55% बाजी मारी है और पुरुषों ने 45% और साधुओं ने 90%। अरे साधु भगवान बचाए इससे। मैं तो सच बात बताता हूं, कुछ साधुओं में भी ऐसे लोग हैं जब कोई साधु उन्नति करने लग जाता है तो उनके सीने पर सांप लौटने लग जाते हैं। ये तो महान संत हैं, श्री रतन साहेब जी, पूज्य रतन साहेब जी स्वामी जी साधारण नहीं है। ये तुम्हारे गांव में जन्म लिए, गांव में पले पोसे, गांव में स्कूल खोला, गांव में आश्रम बनाया, तुम्हारे साथ घूमते रहते नहाते रहते, कहीं पीठ खोले हुए हैं, तुम सोच रहे ऐसे ये नहीं, दिल के बहुत निर्मल हैं, पवित्र हैं, कमल हैं, धवल हैं, क्योंकि उनकी गद्दी दूसरी है और मेरी गद्दी दूसरी है। दूसरी और तीसरी गद्दी का भेद छोड़ करके और मुझे बुलाकर ककरैया में सत्संग की वर्षा करवाते हैं।